पौड़ी जिले का विकासखंड रिखणीखाल मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र बन गया है। केंद्र और राज्य सरकार की मत्स्य पालन योजना ग्रामीणों की आर्थिकी का मजबूत आधार बन गई है। यहां ग्रामीण हर साल 40 से 50 क्विंटल मछली बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। रिखणीखाल क्षेत्र में लगभग 40 ग्रामीण मत्स्य पालन से जुड़े हैं। कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020-21 में अरविंद नेगी नौकरी छोड़कर अपने गांव झरट लौट आए। गांव में स्वरोजगार के लिए उन्होंने मत्स्य पालन की योजना बनाई। उन्होंने इसके लिए अन्य ग्रामीणों को प्रेरित किया। जिला योजना से मत्स्य पालन विभाग की मदद से ग्रामीणों ने 16 मत्स्य तालाब क्लस्टर के रूप में बनाए। इसके बाद केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेते हुए नेगी ने रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का निर्माण किया। वर्तमान में वह प्रतिवर्ष 15 से 18 क्विंटल मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं। वहीं कृतिया गांव के विक्रम सिंह पिछले 3 साल से मत्स्य पालन कर रहे हैं। वह अपने 12 तालाबों में पंगास एवं कार्प प्रजाति की लगभग 10 से 12 क्विंटल मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा बताते हैं कि वर्तमान में जनपद में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग की मछली पालन के लिए 50% सरकारी सहायता एवं अनुसूचित जाति व महिलाओं को 60% सरकारी सहायता पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को मत्स्य तालाब, बायोफ्लोक सिस्टम निर्माण और मत्स्य प्रशिक्षण में सहायता दी जा रही है।